अ वेरी गुड इवनिंग, कमेंट्स तो जूम कर देते यार दिख नहीं रहे हैं मेरे को कमेंट्स। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दो और एक बार फटाफट से क्लास में आ जाओ, क्लास को लाइक और शेयर कर दो सबके साथ ताकि सभी लोग एक बार ही क्लास में आ जाएं और मैं उन्हें देख पाऊं। सो क्लास 11th, जल्दी से आ जाओ यार फटाफट। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं ये बता दीजिए फटाफट से मेरे को। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार देखो, आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है दो कारणों की वजह से, ठीक है। एक कारण ये है, अगर आपने आज की क्लास मिस करी ना, आप रिग्रेट करोगे कि मैंने आज की क्लास मिस क्यों करी, आप लेजिट रिग्रेट करोगे। और दूसरा कारण ये है, मतलब कारण तो मैंने बताया ही नहीं है। सो पहला कारण ये है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वन शॉट में करने वाले हैं, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा भाई, मुझे भी घर जाना है ना, तो मैं ट्राई करूंगी कि एक घंटे में कर दूं खत्म। बट हाँ, थोड़ा सा 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आप खुद ही को पता है कि चैप्टर बड़ा है, ये चैप्टर डिफिकल्ट है और बहुत बच्चे इससे डर खाते हैं। दूसरा, आज की क्लास में स्पेशल क्या होने वाला है मैं बताऊंगी, बट उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या आप बच्चों को कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, यस और नो, जल्दी से बताओ इन द कॉमेंट सेक्शन। क्या आप बच्चों को कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे को ना मोटिवेशन चाहिए अब लाइफ में, अब मेरे को मोटिवेशन चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। मतलब जितने भी आज बच्चे यहाँ पर आए हैं ना क्लास में, वो आज मतलब खुश हो जाएंगे। एक ऐसी चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैं ये भी बता देती हूँ, आज से पहले मैंने ये चीज कभी अपनी किसी क्लास में नहीं करी, कभी नहीं करी मैंने। मतलब जब से मैं पढ़ा रही हूँ है ना, इतने सालों से, मैंने जो मैं करने वाली हूँ वो मैंने कभी नहीं करी अपनी क्लास में। और ये बहुत सडन हुआ, ठीक है, बहुत सडन हुआ ये। जो बच्चे 10th वाले भी हैं, मैं चाहती हूँ वो 10 मिनट रुक कर जाएं, क्यों, क्योंकि मैं कुछ चीज दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं चाहती हूँ 10 मिनट रुक कर जाओ, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही सडन हो रही है, मेरे दिमाग में जस्ट अभी आइडिया आया तो मैं अभी कर रही हूँ। अगर पहले से प्लान होता तो मैं थंबनेल पे लिखवा लेती, बट मैं क्लास के शुरू में ये करना चाहती हूँ ताकि अब सब बच्चों को एक मोटिवेशन मिले। बुला लूं आज, आज कोई स्पेशल आने वाला है हमारे पास, सारे ऑल राइट गाइस, तो मैंने बुला लिया है, ठीक है। कुछ कुछ क्यूट क्यूट से लोग हैं जो हमारे पास आने वाले हैं। आर यू गाइस रेडी, एक बार यार स्वागत करो, थोड़ा वेलकम बोलो, आ जाओ कम, हेलो, सब आ जाओ, सब आ जाओ, जैसे जैसे खड़ा होने, छोटे बच्चे आगे, बड़े बच्चे पीछे, सब आ जाओ, कम कम गाइस, आ जाओ, जैसे खड़ा होने, सब लोग दिख रहे हो ना, हाँ सब दिख रहे हो, थोड़ी सी और इधर हो सकते हो अगर होना है तो, ऑल राइट, चलो सब आ गए। यार उधर शायद दिख नहीं रहे हो, हाँ आप लोग दिख नहीं रहे हो, थोड़ा सा इधर इधर आ जाओ, या तो जो बड़े लोग हैं ना वो पीछे आ जाओ और छोटे वाले आगे आ जाओ, है ना, और थोड़े से इधर इधर हो जाओ, बच्चे आप इधर आ जाओ, आप दिख नहीं रहे हो, इधर आ जाओ मेरे साथ, इधर आ जाओ, ऑल राइट गाइस। तो सब लोग खुश हो, वहाँ पे कॉमेंट्स चल रहे हैं, वेलकम एवरी वन बोल रहे हैं बच्चों, मेरी हाइट छोटी है तो मैं ऐसे ही तुम्हें बच्चों जैसी दिखूंगी। तो यहाँ पर मैं आगे आ जाती हूँ एक बारी कुछ अनाउंस करने। तो बच्चों वेलकम कर रहे हैं मेरे बच्चे आप सभी का, बच्चों हेलो बोल दो एक बार। सो नाउ मैं आपको बता दूं कि ये कौन है, ये एक्चुअली जहां पर मैं पढ़ाने आती हूँ आप बच्चों को, जहां पे स्टूडियो में, तो ये एक बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल तो सबको पता है ना, जिसे हॉस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पर 4th से लेकर और भी छोटे छोटे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, काफी छोटे बच्चे लेकर यहाँ पे बड़े बच्चे भी हैं, और मैं इनको इसलिए लाई हूँ ताकि ये हमें ये बता पाए कि इन्हें कौन सी चीज मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए। आप सोचो ये लोग अपने घर से दूर हैं, इनके मॉम डैड इनके साथ अभी नहीं रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि भरपूर फैसिलिटीज में ये बच्चे रह रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों को, मतलब आपको मेरे को, इतना मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इन द पास्ट कपल ऑफ डेज इतने टफ गए हैं हम सबके लिए, हमें पता है, बट यहाँ पर मैं आई और मैं इन बच्चों से मिली, और ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि आप लोग खुद सुनना, ठीक है, चलो। सो आर यू गाइज रेडी, एक बारी कॉमेंट कर दो एंड देन लेट्स स्टार्ट। सो गाइज जो भी बोलना चाहते हैं पहले अपना नाम बता देना, ठीक है, और फिर बस ये बताना
आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है, मतलब आप सब अपने मम्मी पापा से दूर हो है ना, सब यहाँ पर हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है कि यार मेरे को पढ़ाई करनी है बस, और खुल के बताना, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? कौन बताएगा सबसे पहले? ऑल राइट, माय नेम इज रबिया हुसैन, आई एम फ्रॉम बिहार, और मुझे मोटिवेट करते हैं मेरे मम्मी पापा की ड्रीम्स, कि वो हम मुझे बड़े होकर देखना चाहते हैं एक यूनिफॉर्म में, लाइक आर्मी फोर्स, एयर फोर्स। अरे वाह, तो ये आपको, और आप कितने घंटे पढ़ते हो दिन में? दिन में तो क्लासेस के बाद हम लोग सेल्फ स्टडी 2-3 आवर्स पढ़ते हैं। और क्लासेस कब होती हैं ये भी सुन लो, कब कब होती है बेटा क्लास? बच्चों देख रहे हो, तुम लोग सुन रहे हो, इनकी क्लासेस होती है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, एंड देन 2-3 आवर्स वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं और वो थकते नहीं है, है ना? और कोई? मैं, मेरा नाम ध्रुव है, मैं हिमाचल से हूँ। को थोड़ा सा पीछे कर दो, ध्रुव दिख नहीं रही है क्योंकि, ऑल राइट, ध्रुव दिख रही है मेरा कोई बात नहीं, मेरा नाम ध्रुव है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरे को ये मोटिवेशन इसलिए मिलता है क्योंकि मेरी मम्मा का ड्रीम है कि मैं एक आईएएस यूनिफॉर्म में हूँ, और मैं ऐसा करूँ कि मेरी मम्मा जो ले नहीं पाती वो मैं खुद से लूँ, और मेरी मम्मा, मैं ये चाहती हूँ मेरी मम्मा कि मैं अपने इंडिया के लिए कुछ करूँ। और आपको घर की याद आती है? नहीं, क्योंकि मेरे को आरएमएस क्लियर करना है, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे टीचर्स होते हैं, मेरे को उनसे पढ़ाई करके फिर आईएएस ऑफिसर बनना है। क्या हम क्लैप कर सकते हैं बच्चों? तुम लोग अपने घरों से क्लैप कर दो यार, इनके लिए हम भी कर सकते हैं, कम ऑन गाइस, लेट्स क्लैप, थैंक यू। और कोई है जिसको शेयर करना है कि भाई उन्हें क्या मोटिवेट करता है? माय नेम इज, माय नेम इज आरिषि थापा एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, एंड मेरे को ये चीज मोटिवेट करती है कि इन फ्यूचर आई वांट टू जॉइन आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और मेरे को मतलब अपनी लाइफ बॉर्डर पे देनी है बस। मुझे ये चीज मोटिवेट करती है कि हम लोग यहाँ पर आए, अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से हम दूर हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कुछ बनने के लिए आए हैं, और सबसे बड़ी बात मुझे आईएएस बनना है, मेरे पेरेंट्स को मुझे दिखाना है हम कुछ कर सकते हैं, ना कि हम ऐसे ही हैं। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। तो आप कितने घंटे पढ़ते हो दिन में? सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं, और फिर सेल्फ स्टडी 2 आवर्स होती है, 2 o'clock तक। वाओ, और फिर आप 2 बजे सोकर सुबह 8 बजे उठ जाते हो? हाँ। 6 बजे उठते हो? 8 बजे से क्लासेस होती है। मतलब 4-5 घंटे की नींद लेते हो बस तुम लोग। वाओ, और कोई? माय नेम इज अभिलाषा, आई एम फ्रॉम बिहार, तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम यहाँ, उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है पढ़ने के लिए, वो हमारे इतना कुछ कर रहे, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो ये सोच कर कि मैं आरएमएस सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लूँगी और उनके लिए कुछ करूँगी। वेरी नाइस, मतलब इतनी सी उम्र में ये सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए भी सोचते हैं। किसी और को कुछ बोलना है? ओके, माय नेम इज तनिषा त्यागी, आई एम फ्रॉम हरियाणा। मेरे को ये चीज़ मोटिवेट करती है क्योंकि अब हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत दूर हैं, अब होता है कि किसी, कुछ बच्चे ज़्यादा दूर होते हैं तो उन्हें, उनके पेरेंट्स को बहुत मिस करते हैं, पर हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजे ताकि हम कुछ ऑफिसर बन जाएं, ताकि क्योंकि जितनी खुशी हमें ऑफिसर बनने से होगी उतनी हमें नहीं होगी जितनी हमारे पेरेंट्स को होगी। हमारे पेरेंट्स ये सोचेंगे कि हमने बच्चे को दूर करके अच्छा किया ताकि हमारा बच्चा ऑफिसर बन गया पढ़ लिख के। यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, यहाँ पर हम सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ते हैं, और फिर 2 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं ताकि हमारे रिविजन अच्छे से हो जाए। सुबह हम अपने टीचर से डाउट्स भी लेते हैं, और हमारे टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि हमारी जो स्टडी है वो अच्छी हो जाए और ऑफिसर बन जाए। हम यहाँ सैनिक की तैयारी करने आए हैं, आरएमएस और आरएएमसी, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें इसलिए दूर रखा है ताकि हमारा बच्चा कोई ऑफिसर बन जाए। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से, जितनी हमसे हो सकता है उतना पूरा ट्राई करते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू। वाओ, थैंक यू बच्चे। सो ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, कभी मैं तुम्हारे साथ पर्सनल टाइम भी स्पेंड करूंगी, बट तुम लोग फ्री संडे को ही होते हो मेरे ख्याल से, है ना? उसके अलावा क्लासेस होती, तो मैं संडे को आऊंगी, फिर हम बैठेंगे लूडो खेलेंगे सारे, ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चों, आपकी क्लासेस है ना अभी 8 बजे, आप लोग चले जाओ। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। और तुम्हारी एज क्या है? मेरी 9 इयर्स। और आपकी? 9 इयर्स। 9 इयर्स। और आपकी?
10 years मतलब सब ऐसी ही एज के हो, 9, 10, 11 वेरी नाइस, थैंक यू बच्चों, तुम बहुत अच्छे हो और बहुत मुझे इतना इंस्पायर कर देते हो, तो औरों को तो क्या ही करते होगे, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बच्चे, डिनर कर लिया सबने, चल बाय बाय। हाँ जी, तो क्या सीखा तुम लोग जो इतने बहाने देते हो, इतने बहाने देते हो तुम लोग, है ना, राइट। अब मैं मतलब सॉरी यार, क्लास थोड़ी सी हमारी लेट हो गई, बट ये करना जरूरी था बच्चों, पता नहीं क्यों मेरे दिल से आवाज आ रही थी कि तान्या ये करना जरूरी है, ठीक है, इसलिए क्लास लेट शुरू हो रही है, तो अभी एक बार ही शुरू करूंगी तो पढ़ाती ही जाऊंगी सीधा, बट ये करना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को, सोचो हम लोग बोलते हैं मैम स्कूल है, कोचिंग है, फलाना है, है ना, हमसे मैम मैनेज नहीं हो रहा टाइम, हम कैसे करें, हम सेल्फ स्टडी कहाँ से करें, यार अगर हमें कोई चीज़ करनी है ना तो हम कर सकते हैं। इन लोगों के लिटरली, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है, आप लोग मेरे पास आना, मैं आपको मिलवाऊंगी, मैं पूरा दिन रहती हूँ यहाँ पर इन लोगों के साथ, एंड मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मैं जो इतना टेंशन में थी ना लेजिट 2 दिन पहले, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, इतने छोटे छोटे से बच्चे, 7-7, 8-8 साल के बच्चे, है ना, लड़कियां भी लड़के भी, इतने सारे बच्चे पूरा दिन यही रहते हैं, सुबह 8 से लेकर रात के 12 बजे तक इनकी क्लास होती है, अभी भी इनकी क्लास है, ये लोग क्लास लेने गए हैं, और फिर रात के 2 बजे तक ये सेल्फ स्टडी करते हैं, और ये चीज़ मैंने खुद ने देखी है। सो इट्स लाइक अगर हमें करना है तो हम कर सकते, और ये तो कुछ भी नहीं थे, ये थोड़े से बच्चे थे, स्टूडियो में आ नहीं सकते पूरे बच्चे, ये थोड़े से बच्चे थे। तो अब से बच्चों, अब से नींद बहुत आती है बेटा, नींद तो इन्हें भी आती होगी, आप लोग तो फिर भी 11th में हो आर्ची, है ना बच्चे, ये तो अभी पैदा ही हुए हैं, 7-7, 8-8 साल के बच्चे, बट इनके आंखों में एक सपना है, इनको माँ बाप को सपना पूरा करना है, इनमें इनके टीचर्स मुझे बताते हैं, मतलब मैं आपके साथ साथ इन्हें भी पढ़ाती हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, तो इनके टीचर्स मुझे बताते हैं जो ऑलरेडी इन्हें पढ़ा रहे हैं कि मैम इन बच्चों को ना पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता, ये लोग खुद पढ़ते हैं, खुद डाउट्स लेकर आते हैं, और शायद तभी ये आज स्कूल में है, राइट। तो मैं आपको ज़बरदस्ती इस क्लास में नहीं ला सकती, मैं ये नहीं बोल सकती क्लास को शेयर, मतलब मैं बोलती हूँ शेयर करो, बट मैं इतना फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि जिसे पढ़ना है ना बच्चों, वो रात के 12 बजे भी पढ़ेगा, जिसे पढ़ना है वो रात के 2 बजे भी पढ़ेगा, और जिसे पढ़ना है वो 3-4 घंटे की नींद लेकर भी पढ़ेगा, राइट। सो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मोटिवेट मैं तुम्हें कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं ये चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। ये चैप्टर लंबा है, 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट लग सकता है इस चैप्टर को खत्म करने में, ठीक है, तो मैं देखती हूँ कौन कौन सा बच्चा एंड तक मेरे साथ बने रहता है। क्या मैं क्लास को शुरू करूँ, एक बारी फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में यस मैम बोल दो, फुल पावर बोल दो, हाउ इज द जोश ये बता दो, और फिर हम क्लास को शुरू कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी, इससे ज्यादा मोटिवेट तुम्हें मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कर सकता, ठीक है, चलो जी, तो फुल पावर शुरू करते हैं, हिस्ट्री का लेक्चर भी डाल दूंगी, पर अभी के लिए मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों, मेरी जान, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है, बहुत दिन से बोल रहे थे मैम ये चैप्टर पढ़ा दो, जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी के लिए उस पर फोकस करो, मैम कैसा लगता है, चलो ठीक है यार, ये वाले माइक की ना बच्चों मुझे आदत नहीं है, तो कल से मेरे लिए दूसरा माइक आएगा, चलो बच्चों तो शुरू करते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉर्ट, ठीक है, 1 शॉर्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लास एंड होने के बाद मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री भेजने वाली हूँ, इस स्लाइड्स के अलावा एक पीडीएफ भेजने वाली हूँ, ठीक है, आज इस एरिया में नेट बंद है, थोड़ा लेट हो सकता है पर भेज दूंगी। शुरू करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको ऑथर देख लेना है कि भाई किसने ये चैप्टर को लिखा है, जॉर्डन कुक ने इस चैप्टर को लिखा है, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये एक समुद्री यात्रा के ऊपर है, अगर आप आज की क्लास को पूरा अटेंड करते हो तो मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर से आपको कभी दोबारा डर नहीं लगेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करिए, मैं आपसे चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन भी पूछूंगी तो फिर आपको ना आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। सो अ बिजनेसमैन हु वाज 37 ईयर ओल्ड एंड हिज वाइफ हैड अ ड्रीम, तो इस कहानी में होता क्या है बच्चों, एक बिजनेसमैन होता है, उसकी एक बीवी होती है, ठीक है, और उसका ना एक सपना होता है, उसका सपना क्या होता है कि उसे ना सेम समुद्री यात्रा करनी होती है जो कि एक एक्सप्लोरर है कैप्टन जेम्स कुक, उन्होंने 200 साल पहले की होती है। सो आपको याद रखना है बेसिकली कि एक
एक्सप्लोरर हैं कैप्टन जेम्स कुक। उन्होंने 200 साल पहले एक समुद्री यात्रा करी होती है और वही समुद्री यात्रा ये बिजनेसमैन का करने का सपना होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हाउ अ माइटी वेव ब्रोक ओवर देम, कि कैसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लहरें उनके ऊपर आई, ठीक है, एंड पूरी की पूरी शिप को डैमेज कर दिया, पर उन्होंने स्ट्रगल करा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो फाइनली बच गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस चैप्टर से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि जब भी हमारी लाइफ में हार्ड टाइम आए हमें हिम्मत नहीं हारनी। यहाँ से चैप्टर शुरू है बच्चों। अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग फालतू की बकैती ना करें और चैप्टर पे ध्यान दें, ठीक है। क्या मैं शुरू कर लूं? आप लोग मुझे बता दो किस किस का कंसंट्रेशन यहाँ पर है, ये बता दो मुझे। कौन कौन क्लास 11th से यहाँ पढ़ने के लिए आया है? तो क्योंकि यार बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं नहीं चाहती मैं मेरी एनर्जी वेस्ट कर दूं अगर आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। तो अगर आपका पढ़ने का मन है, सुनने का मन है, तो मैं पढ़ा देती हूँ, वरना ठीक है टाटा बाय बाय। जल्दी जल्दी बता दो, टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता दो बेटा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। कर दूं शुरू? ठीक है, प्लीज चैप्टर को बीच में छोड़ के मत जाना, यही मेरी आपसे दरख्वास्त रहने वाली है। ओके, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टाइम टेबल कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर रखा है, तो एक बार ही देख लो। ऑल राइट, In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. यहाँ पे set sail का मतलब क्या होता है? अपनी जर्नी को शुरू करना, ठीक है, अपनी समुद्री यात्रा को शुरू करना। Duplicate का मतलब क्या होता है? Again, किसी चीज को copy करना, ठीक है। और वॉयज का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे जो भी समुद्री यात्रा, जो भी यात्रा हम लोग समुद्र के जरिए करते हैं। ऑल राइट, अब इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बोला, इसका मतलब क्या है? इजी भाषा में समझने के लिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, एक सेकेंड। ऑल राइट, अभी यहाँ पर एक्चुअली मेरे ख्याल से ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं, आगे मैंने इसको इजी भाषा में लिखा है। तो यहाँ पे बोला है कि 1976 में मेरी वाइफ मैरी, मेरा जो बेटा है जॉनथन जो कि 6 साल का है, जो डॉटर है सुजैन जो 7 साल की, और मैं, हमने क्या करा? हमने हमारी जर्नी को शुरू करा। कहाँ से शुरू करा? इंग्लैंड से शुरू करा। क्या करने के लिए? कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए वो सेम समुद्री यात्रा जो 200 साल पहले किसने करी थी? कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे, जस्ट मुझे एक सेकेंड देना। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman. तो अभी author बच्चों अपने बारे में बता रहा है कि बहुत लंबे समय से Mary, जो मेरी बीवी है, और मैं कौन हूँ? 37 साल का हूँ, 37 years का हूँ, मैं एक businessman हूँ। मेरा एक सपना था, मेरी और मेरी बीवी का एक सपना था। क्या सपना था? Of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills. तो basically in the wake of का मतलब क्या होता है? आप लोग यहाँ पर देख सकते हो difficult word meanings, happening after या फिर because of। कहने का क्या मतलब है? वो बोलना चाहता है कि for the longest time, बहुत सालों से मेरी बीवी और मेरा एक सपना रहा है, क्या करने का? सेल करने का। इन द वेक ऑफ मतलब किसकी वजह से ये सपना रहा है? फेमस एक्सप्लोरर की वजह से जिसका नाम था जेम्स कुक। एंड पिछले 16 सालों से हम क्या कर रहे हैं? लेजर टाइम मतलब जितना भी हमारे पास फ्री टाइम है, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ पे लगा रहे हैं? हॉनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स, जिसका क्या मतलब होता है? इम्प्रूविंग आर स्किल्स, कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग हमारी स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं। क्या करने के लिए वर्क कर रहे हैं बच्चों, ये बताओ? क्या करने के लिए वर्क करें? हमारी जो समुद्री यात्रा वाली स्किल्स है ना, उन पे वर्क कर रहे हैं, ताकि जब हम एक्चुअल में जाएं यात्रा पर तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए। और कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ये? इन ब्रिटिश वाटर्स, ठीक है, यानी कि सी एरिया ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में जितना भी समुद्र है, सी है, उसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। Is that clear everyone? Light बहुत पड़ रही है बोर्ड पे, ये बोल रहे हो क्या? यार मैं PDF दे दूंगी इसकी, 2-3 दिन की बात है बच्चों, थोड़ा सा स्टूडियो का प्रॉब्लम है, 2-3 दिन मैनेज कर लेते हैं। मैं आपको PDF दे दूंगी अंकित यादव, ठीक है,
तब आपको वर्ड मीनिंग्स देख जाएंगे। अभी के लिए मैं वर्ड मीनिंग्स आपको वर्बली बता भी रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आर बेट बोट वे वॉकर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हमारी जो बोट है ना, ठीक है, वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। हल का क्या मतलब है बच्चों, आउटर बॉडी ऑफ द शिप, ठीक है। शिप की जो आउटर बॉडी होती है उसको हल बोलते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है कि भाई उसकी जो आउटर बॉडी थी वो वुडन की थी, ठीक है, वुड की बनी हुई थी। Had been professionally built, उसे बहुत अच्छे से एक एक चीज को यू नो अच्छे से बिल्ड किया गया था। एंड वी हैड स्पेंट, और हमने अपने महीने स्पेंड कर दिए फिटिंग इट आउट। फिटिंग इट आउट मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक शिप है मान लो, उसके अंदर के जो इंटीरियर्स है ना उसे इस तरीके से बनाना कि बिल्कुल आप कंफर्टेबल रह पाओ। तो वो बोल रहे हैं कि बाहर से जो बोट है वो वुड की बनी थी और अंदर हमने इतनी मेहनत करी उसे एक कंफर्टेबल लिविंग स्पेस बनाने के लिए। एंड हमने उसे टेस्ट करा कहाँ पे, रफेस्ट वेदर, जो सबसे ज्यादा हार्श वेदर होता है ना, सबसे ज्यादा रफ वेदर, उसमें हमने उसे टेस्ट करा, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? यार एक बार ही ना मुझे कमेंट कर दिया करो प्लीज कि मैम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि 11th क्लास को मैं लाइव पहली बार ही पढ़ा रही हूँ, मतलब इस सेशन में। तो एक बारी मुझे कमेंट कर दिया करो प्लीज कि जो बच्चे ढंग से सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या बोला जा रहा है देखो, द फर्स्ट लेग ऑफ आर जर्नी। फर्स्ट लेग का मतलब क्या है बेटा जी, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट लेग का मतलब क्या है, फर्स्ट पार्ट। तो बोला गया है कि जो फर्स्ट पार्ट है ना हमारी जर्नी का, ऑफ आर प्लान्ड 3 ईयर, ठीक है, 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमने ये जो पूरी की पूरी यात्रा है ना वो कितने किलोमीटर्स की प्लान करी थी, 1,05,000 के आसपास किलोमीटर्स थे। इतने किलोमीटर्स हमें ट्रैवल करना था। पहला पार्ट जो था ना जर्नी का वो था ब्रिटेन से लेके केप टाउन। यहाँ पर मैंने ना इसी की एक्सप्लेनेशन आसान करके लिख दी है ताकि आप बच्चों को बाद में डाउट ना हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी जर्नी का पहला पार्ट, फर्स्ट लेग मतलब पहला जो पार्ट था ना वो था ब्रिटेन से लेके केप टाउन तक, ठीक है, सिचुएटेड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और इस दौरान यानी कि केप टाउन तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई, हमारी यात्रा बहुत ही अच्छे से चल रही थी। अब आगे क्या हुआ, देयर बिफोर हेडिंग, हेडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, आगे बढ़ना, आगे मूव होना, वी टू कॉन टू क्रूमैन। क्रूमैन का मतलब क्या होता है, बेसिकली टीम मेंबर्स, ठीक है, अपने साथ और लोगों को जोड़ लेना। अमेरिकन लारी एंड स्विस हर्ब टू हेल्प अस टैकल, टैकल मतलब बच्चों क्या होता है, मैनेज करना, हैंडल करना किसी चीज को। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथ इंडियन ओशियन। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, बोल रहे हैं केप टाउन तक भैया हमारी जर्नी बहुत हसीन जा रही है, ठीक है, केप टाउन तक हमें बढ़िया मजे आ रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं। बट केप टाउन के बाद क्या हुआ, बोल रहे हैं बिफोर गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, मान लो ये केप टाउन है, अब यहां से इनको कहां जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है। तो बोल रहा है वहां पे जाने से पहले ना हमने क्या करा, अपने साथ दो बंदों को और ले लिया, ठीक है। एक कहां से था, एक था अमेरिका से, एक था स्विट्जरलैंड से। वो दो एक्सपर्ट बंदे थे क्योंकि आगे भाई बहुत ज्यादा टफ होने वाला था वेदर, है ना, और हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। तो हमने दो क्रूमैन अपने साथ रख लिए। लैरी जो था वो अमेरिका से था, हर्ब स्विट्जरलैंड से था। एंड हमने उन्हें क्यों रखा था कि हमें क्रॉस करना था सदर्न इंडियन ओशियन, और वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सी है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो हमें उससे निकलने के लिए इन दो क्रूमैन को रखना पड़ा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। ऑन आर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब बच्चों यहां से क्लाइमेक्स शुरू होने वाला है मूवी का, ठीक है, यहां से दिक्कतें आने वाली हैं। क्या दिक्कत आने वाली है देखो, वो बोल रहा है कि भाई दो दिन है ना, हम जब केप टाउन से आगे निकले तो केप टाउन से दूसरे दिन तुम लगा लो क्या होने लगा, गेल्स मतलब यहाँ पे क्या है, तूफान है ना, भारी भारी विंड, एकदम स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो वो बोल रहा है कि बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लग गई। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, और थोड़े हफ्तों तक, फिर आगे थोड़े हफ्तों तक कॉन्टिन्यूसली वो जो हवाएं थी वो
चलती रही, गेल्स डिड नॉट वरी मी। तो वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं ये जो तेज तेज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही है ना, इन्होंने मुझे चिंतित नहीं करा, मैं इनकी वजह से कतई ही चिंतित नहीं था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, बट जो उन लहरों का साइज था ना, दैट वॉज अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब क्या होता है, मतलब दैट वॉज द कॉज ऑफ माई वरी, उसकी वजह से मैं चिंतित था। ठीक है, कि जो वो जो वेव्स थी ना, वो जो वेव्स थी, जो लहरें थी समुद्र की, उनका जो साइज होता जा रहा था वक्त पे वक्त जैसे बीत रहा था, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट। तो बोल रहा है वो जो वेव्स थी ना, जो लहरें थी, 15 मीटर ऊंची थी। ठीक है, इसे बोलते हैं मास्ट। ये आप देख रहे हो ना, एक डंडा सा है बड़ा सा बोट में, तो इसे बोलते हैं मास्ट। कि इस जितनी ऊंची वेव्स होते हुए आ रही थी, जो कि हमें क्या कर रही थी, चिंतित कर रही थी। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे थे। ऑल राइट, आगे चलते हैं। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। क्या बोल रहा है, ऑन दिसंबर 25 यानी कि भैया 25 दिसंबर को, ठीक है, 25 दिसंबर को क्या हुआ, हम लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर आ चुके थे। बच्चों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है अब ये स्टोरी। ठीक है, अब देखना कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो 3500 किलोमीटर आगे आ गए हैं अब ये लोग केप टाउन से ईस्ट की डायरेक्शन में, डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर। डिस्पाइट मतलब क्या होता है, बावजूद, और एट्रोशियस वेदर मतलब खराब, हार्श वेदर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई वेदर जो था वो भले ही बहुत ज्यादा बुरा था, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे। बेटा ये एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आता है पेपर में। मैं आपको चैप्टर के साथ साथ ये भी बताती चल रही हूँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो पता नहीं कहाँ मिलेगी। चलो अभी मैं थोड़ा सा जब क्वेश्चन पूछूंगी तब मैं बताऊंगी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव कब आऊंगी। ठीक है, अभी के लिए पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर बोला गया है कि भाई वेदर भले ही बहुत खराब था, बट वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या बोल रहे हैं, हमने क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे बोल रहे हैं वी थॉट एंड होप दैट वेदर वुड चेंज, वेदर चेंज एंड बिकम वर्स। तो बोल रहे हैं कि न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी आ गया, बट वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। क्रिसमस तो हमने अच्छे से मना लिया था ये सोचकर कि आगे वेदर बेटर हो जाएगा, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज। और बोलते हैं कि वेदर चेंज हुआ बट और ज़्यादा वर्स हो गया। हमें लगा था आगे वेदर चेंज होगा, अच्छा होगा, सही होगा, बट जो वेदर था, जो मौसम था, वो और ज़्यादा बदतर हो गया, और ज़्यादा चेंज हो गया। क्लियर एवरीवन? चलो आगे आ जाओ। एट डॉन, डॉन का मतलब क्या होता है बेटा जी, डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे, ऑन जनवरी 2। तो बेसिकली वो यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई जनवरी 2 सुबह की बात कर रहा है कि जो वेव्स थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, बहुत ज्यादा ह्यूज हो गई थी। ठीक है, वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉम जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। तो यहाँ पे स्ट्रॉम जिप क्या होता है, एक छोटी सेल होती है यूज ड्यूरिंग स्ट्रॉम, इस तरीके से होती है, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपका जिप, एंड नॉट का मतलब क्या होता है, स्पीड। कि अगर आप समुद्र में, जैसे आप रोड पे चलते हो, अपनी स्पीड आपको पता होती है, राइट? तो समुद्र में क्या होता है, समुद्र में स्पीड किस में रिप्रेजेंट होती है, नॉट्स में होती है, नॉट्स पर आर। ठीक है, नॉट्स पर आर, यहाँ पर क्या होता है, किलोमीटर, बट वहां पर होता है नॉट्स पर आर। तो यहाँ पे वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई हम लोग जो थे ना, वो 8 नॉट्स पर आर की स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, और 1 नॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे 1.8 किलोमीटर पर आर। तो एक तरीके से वो बता रहा है कि तूफान आता जा रहा था और हम लोग बहुत ज्यादा आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखो, बोल रहा है जब भी शिप वेव के ऊपर जाती, मान लो ये वेव्स हैं, कहाँ बनाऊं वेव, यहाँ पर। ठीक है, ये वेव्स हैं, यहाँ पर ये शिप चल रही है। अब क्या हो रहा है, एक बहुत ही बड़ी वेव आ रही है, और जब शिप इसके ऊपर पहुंच रही है तो वो लोग आगे क्या देख पा रहे हैं, एंडलेस एरिया ऑफ सी। मान लो ये वेव है, ये शिप है, वेव आई, यहाँ पर पहुंच गए। अब यहाँ से भी उन्हें आगे सी सी पूरा समुद्र दिखाई दे रहा है। ठीक है,
बिकॉज ऑफ द वेव्स इट लुक्ड एज इफ द होल सी. अब क्योंकि वो वेव्स इतनी तेजी से आ रही थी तो उन्हें लग रहा था कि पूरा का पूरा समुद्र बच्चों उनकी तरफ आ रहा है. एंड जो लाउड वॉइस थी है ना, अगर आप कभी शिप में बैठे हो आपने देखा होगा बहुत तेज हवाओं की आवाज आती है राइट. तो वो जो लाउड वॉइस थी ना बच्चों, सो द लाउड वॉइस ऑफ द विंड एंड स्प्रे ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वर पेनफुल टू हियर. लग रहा था कानों में दर्द हो रहा है. एक तो विंड की आवाज, उसके ऊपर से ये वेव्स इतनी तेज आ रही है कि शिप इसके ऊपर चढ़ रही है और पूरी यू नो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो ड्रॉपलेट्स है वो मेरे मुंह पे पड़ रही हैं राइट. अब वो मेरे मुंह पे पड़ रही हैं तो वो सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी, बहुत ज्यादा हार्श हो रहा था. आगे क्या हुआ, टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश द हैवी मूरिंग रोप. मूरिंग रोप मतलब क्या होता है, एक ऐसी रोप जो आप शिप में बांधते हो, उसे यू नो हार्बर देखा आपने जहां पे शिप्स बांधी जाती हैं, तो उसके लिए एक रस्सी का इस्तेमाल होता है राइट. तो रस्सी उसको बोलते हैं मूरिंग रोप. इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. स्टर्न क्या होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है, इन्हें याद रखिएगा. स्टर्न होता है बैक पोर्शन ऑफ द शिप. शिप का जो पिछला पोर्शन होता है ना उसको स्टर्न बोलते हैं ठीक है. देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग. लैश्ड का मतलब क्या होता है, बांधना, टाई करना किसी चीज को. वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट. लाइफ राफ्ट मतलब लाइफ बोट जो कि इमरजेंसी में काम आता है ठीक है. ड्रिल. ड्रिल मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस करना. अटैच्ड लाइफ लाइन. लाइफ लाइन क्या होता है, वो वाली रस्सियां जो आदमी की जान बचाने के लिए काम आती हैं. डॉन्ड ऑयल स्किन्स. डॉन्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉर, पहनना. ऑयल स्किन्स मतलब क्या होता है, इस तरीके के, ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, इस तरीके के कपड़े, हैवी क्लोथ्स ठीक है. हैवी क्लोथ्स होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं ठीक है. एंड लाइफ जैकेट. लाइफ जैकेट तो सबको ही पता है राइट, जिससे आदमी तैरता रहता है. एंड वेटेड. तो इस पूरे में क्या बोल रहे हैं, इस पूरे में वो अपनी तैयारी बता रहे हैं कि भाई अब हमें दिख गया था कि भाई देखो वेदर ना खराब हो रहा है राइट. अब नहीं तो हम पैनिक कर लें राइट, और नहीं तो हम लड़ लें. तो उन्होंने क्या करी, अपनी तरफ से वो प्रिपेयर होकर तो आए थे कि भाई कुछ भी हो सकता है राइट बच्चों, राइट और रॉन्ग, प्रिपेयर होकर आए थे. तो अभी टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द बोट वी रिमूव द स्टॉर्म. जब उन्होंने बोला हमने, हम क्या कर रहे हैं, हम बोट को, बोट की जो स्पीड है उसे कम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. हमने क्या करा, जो शिप का बैक पोर्शन है उस पर एक हैवी रस्सी बांध दी. एंड फिर हमने हर चीज को, जो भी हमारा सामान था, उसे दो बार बांध दिया क्योंकि शिप में पानी भी आना अब शुरू होगा है ना, शिप इधर उधर भटकना भी शुरू हो रही है तो सारी चीजें गिर ना जाए. वी डिड नॉट वॉन्ट थिंग्स टू, हम नहीं चाहते थे कि हमारी चीजें गिर जाए. तो हमने क्या करा, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी लाइफ बोट से, हमने यू नो अपने आप को लाइफ जैकेट्स पहना ली, हमने अच्छे भारी कपड़े पहन लिए, मतलब हमने सारी प्रैक्टिस कर ली जो भी हम कर सकते थे. और उसके बाद हम वेट करने लगे क्योंकि हम लोग वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो गए थे है ना. इतने दिन से वेदर बदला नहीं है, अब भी कोई गारंटी नहीं है वेदर बदलेगा कि नहीं, तो हम लोग वर्स्ट सिचुएशन के लिए यहाँ पर बच्चों प्रिपेयर हो गए हैं. आगे देखो, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर. इम्पेंडिंग मतलब जो होने वाला है ठीक है, अबाउट टू हैपन, ऐसी कोई चीज जो बच्चों होने वाली है. मैम प्लीज लिसन टू मी, बोल रही हूँ बेटा मैं, सुनो तो, बताओ तो सही. मैम नोट, बेटा सौम्या मैं सब कराऊंगी मेरी जान, पर मैं अभी जो करा रही हूँ उस पर तो फोकस करो, धीरे धीरे करके ही तो कराऊंगी बेटा. अब अगर आप लोग फोकस नहीं करोगे इस बीच में तो आप बताओ मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी. अब मैं ये कराऊंगी तो आप बोलोगे मैम वो कराओ, फिर वो कराऊंगी आप बोलोगे मैम कुछ और कराओ. तो वाई कांट वी फोकस ऑन द थिंग दैट वी आर डीलिंग विद राइट नाउ, टेल मी. दिस चैप्टर इज रियली रियली बिग बच्चो. टोटल 80 स्लाइड्स हैं आज मेरे पास कवर करने के लिए एंड आई एम ऑन द 15th स्लाइड राइट नाउ. सो अब आप लोग देख लो कि कैसे करना है, मतलब फिर वन शॉट नहीं हो पाएगा देन है ना. अगर यहीं पर 10 बज जाएंगे तो फिर आई हैव टू डू दिस चैप्टर इन टू पार्ट्स, द डिसीजन इज योर्स. बेटा डिस्प्ले क्लियर है, जो व्हाइट वाला पार्ट है वो आपको हल्का ब्राइट दिख रहा है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ. मैंने बोला है कि प्लीज मुझे एक दो दिन दो राइट नाउ, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग ऑन माई ओन ओनली ठीक है. तो ये स्लाइड्स दे दूंगी तो आपको वर्ड मीनिंग दिख जाएंगे, अभी के लिए मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग बता रही हूँ. हाँ बेटा सौम्या मैं कराऊंगी मेरी जान, नोट मेकिंग कराऊंगी मैं, वन शॉट भिजवा दूंगी तुम्हारे लिए इस वीक ठीक है, सब कराऊंगी ओके. चलो आ जाए वापस. ऑल राइट,
सो यहाँ पे बोल रहे हैं इम्पेंडिंग मतलब अबाउट टू हैपन, जो चीज होने वाली है, ठीक है। केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस, यानी कि बिल्कुल वो वाली चुप्पी के अब कुछ अनलकी होने वाला है ना, कुछ इनऑस्पिशियस होने वाला है, वो वाली चुप्पी। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, देन केम ग्रोइंग रॉर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉड एफ्ट ऑफ द शिप। नाउ एफ्ट ऑफ द शिप मतलब जो फ्रंट पोर्शन है, यहाँ पे बैक लिखा है, इट्स फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एफ्ट ऑफ द शिप। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वो बोल रहा है कि 6 बज रहे थे, लमसम 6 बजे के आसपास पहला इंडिकेशन आया कि हाँ अब कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। 6 बजे के आसपास पहला इंडिकेशन आया कुछ बुरा होने वाला है। अब पूरा हर जगह चुप्पी थी, है ना, और एक ऐसी चुप्पी जो अनलकी है। अब क्या हुआ, विंड रुक गई, ठीक है, हवा जो चल रही थी वो रुक गई, स्काई एकदम डार्क हो गया। उसके बाद हमें एक बहुत ही तेज, बहुत ही लाउड साउंड आई बच्चों, और हमें ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा सा जो बादल है ना, वो जो फ्रंट पोर्शन है, मान लो ये शिप है तो इसका जो फ्रंट पोर्शन है ना, उस बादल ने उसको कवर कर लिया है, हमें ऐसा फील हो रहा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. तो यहाँ पे narrator क्या बोल रहा है कि भाई मैं इतना ज़्यादा डर गया ना, जब मुझे ये पता चला कि ये बादल नहीं है जिसे मैं बादल समझ रहा हूँ, ये actual में क्या है, ये actual में एक बहुत बड़ी wave है जो हमारे तरफ आ रही है। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मैंने इतनी बड़ी वेव ना अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, ठीक है, मैंने इतनी बड़ी वेव अपनी लाइफ में बच्चों कभी नहीं देखी। आगे वो बोल रहा है कि आई वॉज अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वेव जो थी वो पूरी की पूरी वर्टिकल, यानी कि पूरी की पूरी सीधी थी, एंड दूसरी जो वेव्स थी उससे डबल थी हाइट में, उससे ट्वाइस थी बच्चों हाइट में, ठीक है। उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है ना, वो क्या कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो हमारे जस्ट ऊपर ही आ रहा है, और वो जो पूरा का पूरा जो दृश्य था ना, वो बहुत ज़्यादा डरावना था, इट वॉज वेरी मच फियरफुल साइट। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, वो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो जो वेव की साउंड थी ना हमारे पास आते हुए, वो इतनी तेज आई कि वो एक थंडर की साउंड लग रही थी, जैसे बिजली कड़कड़ाती है ना, एक ऐसी साउंड लग रही थी, बट वो एक्चुअल में एक वेव की साउंड थी। While the wave approached the ship, अब वेव क्या हो रहा है, वो जो लहर है ऐसे ऐसे करके शिप के पास आती जा रही है, जो फ्रंट पोर्शन है, क्रेस्ट क्या होता है यहाँ पर, सॉरी स्टर्न क्या होता है, मैंने आपको बताया था फ्रंट पोर्शन, तो जो फ्रंट पोर्शन है ना शिप का, वो क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है। द फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप मूव्ड अप, आई थॉट द शिप विल सेल ओवर द वेव, नरेटर बोल रहा है मुझे लगा था कि हमारी शिप इस वेव के ऊपर से आराम से निकल जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सडनली देर वॉज अ ह्यूज साउंड, एकदम से बहुत तेज साउंड आया, एंड पूरी की पूरी जो शिप की बॉडी थी ना, वो हिल के रह गई, ठीक है, पूरी की पूरी हमारी शिप इतनी बुरी तरह शेक हुई कि पूछो ही मत। अब आगे देखो, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन, टॉरेंट क्या होता है बच्चों, अच्छा खासा अमाउंट में वाटर, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम लोग टॉरेंट बोलते हैं। सो अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड, स्मैश्ड मतलब क्या होता है, लग जाना, टकरा जाना, into the wheel and I was aware of flying overboard. Now what do you mean by overboard? Overboard मतलब higher level पे, ठीक है, ऊपर higher level पे, and sinking, sinking मतलब डूबना, below the waves. I accepted my approaching death and as I was losing consciousness I felt quite peaceful. क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, वो बोल रहा है जैसे ही हमारी ship हिलके रह गई ना, बहुत सारा पानी ग्रीन कलर का, व्हाइट व्हाइट तो होता ही है, ग्रीन कलर का हमारी शिप के अंदर आ गया। मेरा जो हेड था ना, वो कहाँ पर लगा, जो शिप का व्हील होता है ना उस पे जाके मेरा हेड एकदम से लगा, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि शिप जो है ना वो मुझे फेंक रही है, यानी कि मैं उछल गया हूँ और मैं पानी में चला गया हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था, ठीक है। आई कुड फील दैट आई वॉज बींग थ्रोन टू द हायर लेवल ऑफ द शिप, यानी कि शिप का जो हायर लेवल है ना, मैं उसके ऊपर चला गया हूँ। But I was sinking in water. But वो बोलता ऐसा नहीं था, मैं पानी में डूब रहा था।
ठीक है, मेरे साथ क्या हो रहा था, अब मैं पानी में डूब रहा था। द ऑथर वॉज थ्रोन इन टू द सी बाय द फोर्स ऑफ वेव ऑफ वाटर। यहाँ पे हुआ क्या है, जिस फोर्स के साथ पानी आया ना बच्चों शिप के अंदर, ठीक है, ऑथर बेचारा हमारा गिर गया है शिप के बाहर, पानी में डूब रहा है वो, ठीक है। उसे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो डेथ है वो मेरे पास है, माई डेथ इज अप्रोचिंग एंड आई वॉज अबाउट टू डाई एंड आई वॉज बिकमिंग अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है, अपना जो होश है, कॉन्शियस होना मतलब होश में, तो मैं अपना होश खो रहा हूँ, है ना, मैं अनकॉन्शियस हो रहा हूँ और मुझे वो पीस फील हो पा रहा था कि हाँ भाई मैं अनकॉन्शियस हो रहा हूँ एंड आई एम अबाउट टू डाई। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली मतलब एकदम से, जिसकी मैंने उम्मीद ना करी हो, तो अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। पॉप्ड आउट मतलब एकदम से बाहर आ जाना। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर, वेव वॉकर उनकी शिप का नाम है बच्चों, वॉज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग मतलब सिंकिंग, डूबना। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, देन अ वेव हर्ल्ड हर, हर्ल्ड मतलब क्या होता है बच्चों, एकदम से फेंकना, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू। अपराइट मतलब एकदम से स्ट्रेट, माई लाइफ लाइन जर्ग्ड, जर्ग्ड मतलब झटका। टॉट, टॉट मतलब होते टाइटन, एकदम से टाइट हो जाना। अभी इन सबका सेंस बनेगा जब मैं आपको समझाऊंगी, अभी केवल मैं वर्ड मीनिंग्स बता रही हूँ। आई ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मतलब होता है पकड़ना। द गार्ड रेल्स यानी कि रेलिंगों को, एंड सेल थ्रू द एयर इन टू द वेव वॉकर मेन्स बूम। बूम मतलब होता है एक ऐसा शिप का पार्ट जहाँ पे लाइफ बोट्स, लाइफ जैकेट्स रखी होती हैं। सो आगे देखते हैं कि इस पूरे में मतलब बात क्या हो रही है, वो मैं आपको समझाऊंगी अभी। सो इसमें बात क्या हुई, वो बोलता है कि मैं डूब रहा था, मुझे वो पीस फील हो रहा था, ठीक है, एंड मैंने उम्मीद नहीं करी थी, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर मेरा जो हेड है ना वो सी वाटर से अपने आप बाहर आ गया, ठीक है। माई हेड केम आउट ऑफ द सी वाटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ सम मीटर। वो बोल रहा है कि थोड़े आप अगर थोड़ा डिस्टेंस पे जाओगे, ठीक है, तो जो शिप था मतलब थोड़े डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे तो मेरा जो शिप है, मेरा जैसे ही पानी से सर बाहर आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि थोड़े ही डिस्टेंस पे मेरा शिप है और वो शिप क्या कर रहा है, वो साइड टर्न हो चुका और वो डूब रहा है, ठीक है। एंड उसमें मेरे बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, दो क्रूमैन हैं, सोचो उस आदमी पे क्या बीत रही होगी। इट्स मास्ट दैट यूज टू बी वर्टिकल हैड बिकम हॉरिजॉन्टल। मास्ट मैंने आपको बताया था एक बड़ा सा डंडा शिप के ऊपर, अब वो वर्टिकल था बट अब वो हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि शिप गिरने को हो गई है बिल्कुल। बट फिर से एक बहुत ही भारी वेव आई और उसने हमारी शिप को सीधा कर दिया, ठीक है। मान लो शिप ऐसे गिर रही है, एक वेव आई एंड देन उसने शिप को सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन गेव अ जर्क टू मी एंड आई जंप्ड इन, क्योंकि वो शिप से बंद रखा है ना, भले ही वो शिप के बाहर पानी में गिर गया बट वो बंद रखा है। तो जैसे ही वो वेव आई, उसकी शिप सीधा हुई, तो उसकी वजह से उसकी जो रस्सी थी उसमें भी झटका लगा एकदम से, एंड ही वॉज ऑल्सो ट्विस्टेड इन द एयर। तो उसके बाद क्या हुआ, वो एकदम से जो शिप का बूम पार्ट होता है जहाँ पे लाइफ बोट्स रखी होती है, वहाँ पे जाके दोबारा से शिप में गिर गया। अब लाइफ लाइन ऑफ द ऑथर वॉज टाइड टू द शिप, जैसे मैंने आपको बताया। व्हेन शिप वॉज स्ट्रेटेंड द लाइफ लाइन वॉज पुल टूवर्ड्स द शिप, ठीक है ना। मान लो शिप यहाँ पर, यार एक तो मेरी ड्राइंग इतनी बुरी है, मान लो शिप यहाँ पर लेटी हुई है, गिर रही है, जैसे ही शिप सीधी हुई उसका जो बंद रखा था वो भी एकदम से झटका लगा और वो भी आगे की तरफ गया। सो ऑथर गॉट पुल्ड इन टू द एयर एंड लैंडेड इन द शिप। यहाँ तक समझ में आया, क्यों लड़ रहे हो यार, क्या हो गया, यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, बातें करने से क्यों लड़ रहे हो भाई, व्हाट हैपेंड, लड़ो मत यार, तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर रहे, तुम फुल स्क्रीन करो, लेक्चर एंजॉय करो, लड़ो वड़ो नहीं, चलो आगे आ जाओ। अब आगे क्या हुआ देखो, सबसिक्वेंट, सबसिक्वेंट मतलब क्या होता है, नेक्स्ट, ठीक है, सबसिक्वेंट मतलब क्या होता है, नेक्स्ट। यार पानी मंगवा सकते हैं क्या, बहुत गला सूख रहा है। सो सबसिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी, टॉस्ड मतलब अगेन हवा में यू नो थ्रो कर देना, अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। रैग डॉल मतलब एक डॉल जो पुराने कपड़ों की बनी होती है, ठीक है। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, रिब्स क्या होते हैं, जो चेस्ट के अराउंड आपके बोन्स होते हैं, ठीक है। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, सम हाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप। लाइंड अप मतलब क्या होता है, अरेंज करना, अरेंज अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि देखो मैं तो आकर गिर गया था बोट के अंदर, ठीक है मैम, वो शिप में कैसे वापस आया, बेटा रूपांशी वही मैंने बताया, वो शिप में कैसे वापस आया, देखो यहाँ पर लिखा है इस पैराग्राफ में कि हुआ क्या, वो शिप से बाहर गिरा और उसकी शिप भी थोड़े डिस्टेंस पे गिर रही थी, डूब रही थी, तो एकदम से एक और भारी वेव आई और उसकी शिप एकदम से सीधी हो गई, जो हमारे नरेटर की
लाइफ मान लो एक रस्सी से बंध रखी थी उसकी शिप से, तो जैसे ही शिप एकदम झटके से सीधी हुई तो वो उसने ऑथर के वो जो बंध रखी थी उसको भी खींचा, तो ऑथर एकदम से हवा में टॉस हुआ एंड देन ही अगेन लैंडेड इनटू द शिप क्योंकि वो बंध रखा था उस चीज से। ठीक है बच्चों, चलो आगे आ जाओ। अब क्या हुआ, वो बोल रहा है कि अभी भी वेव्स आए जा रही थी, फर्स्ट वेव के बाद दोबारा से वेव्स आ रही थी, वेव्स कमिंग आफ्टर द फर्स्ट वेव टॉस्ड मी इन द डेक, आई वाज बीइंग टॉस्ड लाइक अ रैग डॉल। कहता है वो जो होती है ना डॉल होती है ना पुराने कपड़ों से बनी होती है, जैसे उसे हम इधर उधर फेंकते हैं हवा में, बिल्कुल वैसे ही वेव्स भी मुझे इधर उधर फेंक रही थी। अब इस फेंकने की वजह से मेरा जो लेफ्ट रिब था है ना वो फ्रैक्चर हो गया था, यानी कि जो बोन था उसका चेस्ट वाला वो फ्रैक्चर हो गया, मेरे माउथ में पूरा ब्लड ब्लड हो गया था, मेरा दांत टूट गया था। किसी तरीके से है ना बहुत ही ज़्यादा संघर्ष के साथ मैं किसी तरीके से बच्चों व्हील तक पहुँचा, शिप के व्हील तक, एंड आई रीच द बैक पोर्शन ऑफ द शिप। मैंने क्या करा, मैं शिप के बैक पोर्शन पर पहुँचा एंड मैं वहाँ पर रहा। ठीक है, मैं वहाँ पर खड़ा हो गया कि ठीक है अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट मुझे क्या फेस करना पड़ सकता है। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट, डेयर नॉट मतलब हिम्मत ना होना, अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। सडनली द फ्रंट हैच, हैच मतलब क्या होता है बेटा, दरवाजा, डोर। ठीक है, यहाँ पे हैच मतलब क्या होता है, डोर। Was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. Deck मतलब floors, smashed मतलब पूरा टूट जाना। We are full of water. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है बच्चों, इसको समझने की एक बार कोशिश कर लेते हैं। अगेन मैं बोलना चाहूँगी गाइज कि प्लीज डू शेयर दिस सेशन एंड डू लाइक द सेशन इफ यू गाइज लाइक इट, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। ऑल राइट, चलो तो यहाँ पे लिखा है कि अब शिप में हर जगह पानी पानी हो जाता है। ठीक है, आई कुड अंडरस्टैंड द लोअर पोर्शन ऑफ द शिप वर फिल्ड विद वाटर। वो बोलता है मुझे ये तो समझ आ रहा था कि हमारी शिप का जो लोअर पोर्शन है ना उसमें पूरा पानी भर गया है, बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्हील छोड़ के जाऊँ उसको देखने, उसको खोजने। सडनली क्या हुआ, सामने का दरवाज़ा खुला एंड मैंने मेरी वाइफ मैरी को देखा और वो बहुत तेज चीख रही थी, वो बोल रही थी कि शिप डूब रही है, जो शिप का फ्लोर है वो पूरा टूट चुका है, पानी अंदर आ रहा है और हम लोग डूब रहे हैं। ठीक है, हम लोग मरने वाले हैं। थैंक यू गाइज, गिव मी 2 seconds टू ड्रिंक वाटर। के भी ना चाहिए यार, मुझे लगता पानी एकदम से मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ पानी पीते पीते, होता है कभी कभी। ऑल राइट, थैंक्स गाइज। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते बच्चे पार्टी। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर दी हैच। स्क्रैम्बल्ड मतलब क्या होता है बेटा जी, क्रॉल करना, रेंगना, बहुत ही मुश्किल से वॉक कर पाना। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन, ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर्स मतलब ब्रोकन वुड्स। ऑल राइट, एट क्रेजी एंगल्स द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इन वर्ड्स, इसका क्या मतलब है, अंदर की तरफ से सूज जाना। ठीक है, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, दिस टॉयज, स्लॉश्ड मतलब पानी में तैरना, अबाउट इन डीप वाटर। यहाँ पे बात क्या हो रही है, देखो वो बोल रहे हैं कि मैंने मेरी बीवी को बोला कि तुम इधर आओ और शिप के व्हील को संभालो। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्टी से मैंने क्या करा, मैंने डोर की तरफ रेंग के जाना शुरू करा। जो वो दो क्रूमैन थे हमारे साथ, लैरी एंड हर्ब, वो क्या कर रहे थे, वाटर को बाहर निकाल रहे थे शिप से, पंप कर रहे थे वाटर को शिप से बाहर। ठीक है, एंड वो लोग, वो दोनों इंसान इतना ज़्यादा बेस्ट वर्क कर रहे थे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब क्या हो रहा था, अब मैं देख रहा हूँ कि जो वुड है वो टूट चुका है, अलग अलग एंगल्स पे जो वुड है वो यू नो लटकता हुआ मुझे दिख रहा है, जो शिप का राइट साइड है वो अंदर से पूरा सूख चुका है, उस पर इतना पानी आ गया है, सारे हमारे कपड़े, क्रॉकरी सब पानी में तैर रहा है और वाटर अब शिप के अंदर बहुत ज़्यादा डीप होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, आर यू ऑल राइट, आई आस्क। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, अपर बंक का मतलब क्या होता है, अपर बेड। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प्ड हेड्स।
ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली अपर बंक का मतलब होता है अपर बेड, बंप मतलब होता है एकदम से सूजा हुआ पार्ट, एंड वरी मतलब होता है बॉदर। अब तू खेल लेना उन बच्चों के साथ बाहर, कि कुछ कुछ तो क्लास चल रही है। वो जो बाहर बच्चे ग्राउंड में बैठे थे, उस साइड ग्राउंड में बैठे थे ना बच्चे, उनके साथ खेल ले वॉलीबॉल। ऑल राइट बच्चों, तो यहाँ पे मतलब बच्चे खेलते भी रहते, बड़ा मज़ा आता है रात में उनके साथ खेलने में। सो इसलिए मेरे जो असिस्ट कर रहे थे, मेरे को थोड़ा हेल्प कर रहे थे स्टूडियो में, तो मैंने उन्हें बोला कि जाकर खेल लो भाई, यहाँ पे क्या 11th क्लास का लेक्चर सुन रहे हो। चलो सो आगे देखते हैं, यहाँ पर अब इसमें क्या बात हो रही है यहाँ पर देखते हैं। तो वो बोलता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं थोड़ा स्विम भी कर रहा हूँ, मैं रेंग भी रहा हूँ, किसी तरीके से मैं शिप में जो कैबिन था, बच्चों का एरिया था, वहाँ पर पहुँचा। मैंने उनसे जाकर पूछा क्या बच्चों तुम ठीक हो, तो उन्होंने क्या बोला, वो अपर बेड पे थे, यानी कि बंक बेड्स देखे हैं ना अपने, नीचे और ऊपर दोनों होते हैं, तो वो लोग कहाँ थे, वो अपर बेड पे थे। एंड उन्होंने बोला हम ठीक है। मेरी जो बेटी थी उसने क्या बोला कि उसका आइस का ऊपर वाला पार्ट लग गई है उसे, और वो सूज गया है। सो उसने बोला, नरेटर बोल रहा है कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको पुचकारूँ या मैं अभी उसकी चोट देखूँ, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी आपदा में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, कैनवास के एक तरीके का कपड़ा मान लो आप लोग, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक विद द स्टार बोर्ड साइड बैश्ड। बैश्ड मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत बुरी तरीके से टूट जाना। Open, we were taking water each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मैंने बच्चों से पूछा, उसके बाद मैंने हैमर लिया, उसके बाद मैंने स्क्रूज लिए, कैनवास लिया, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी से, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद बच्चों मैंने क्या करा, मैं शिप के मेन फ्लोर पर आ गया। अब जो शिप का राइट साइड था ना, वो बहुत ही बुरे तरीके से टूट गया था, ठीक है, जो पहली वेव आई थी उसी ने राइट साइड बहुत बुरे तरीके से तोड़ दिया था। देयरफॉर बिकॉज ऑफ एवरी अदर वेव वाटर वॉज एंटरिंग इन टू द शिप, ठीक है, और क्योंकि पहली ही वेव में राइट साइड टूट गया था, तो अब जितनी भी वेव आ रही थी तो पानी अंदर आ ही रहा था। तो उसने बोला अगर मैंने कुछ रिपेयर अभी नहीं कराना तो शिप तो पक्का ही डूब जाएगी, मैं मारा जाऊंगा, मेरी बीवी मारी जाएगी, मेरे बच्चे मारे जाएंगे, दो क्रूमैन भी मारे जाएंगे। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? मैम 10th का लाइव कब होगा बेटा? कल होगा, टाइम टेबल डाला हुआ है कम्युनिटी पोस्ट पे, जाकर देखो बेटा, कल है 10th का लाइव। इतना समझ में आया गाइस? एक बार ही फटाफट से मुझे कमेंट कर दो कि मैम इतना समझ आ गया, क्या इंटरेस्ट आ रहा है स्टोरी में, जल्दी जल्दी बताओ यार, कम ऑन, फटाफट से बताओ इतना समझ में आ गया सारे बच्चों को, जल्दी बता दो मेरे को एक बार ही। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, यहाँ पे क्विज आएगा, अभी करना है सारे बच्चों को, ठीक है। चलो, Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping, gaping मतलब बड़े बड़े huge holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected. Deflected मतलब किसी और direction में उसे move करवा देना, ठीक है, किसी और दिशा की तरफ move करा देना, ओवर द साइड। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है इसको यहाँ समझते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं वो जो कैनवास लेकर गया था, मैंने उसे स्ट्रेच किया और जो भी होल्स हो रखे थे उसे कवर करने की मैंने कोशिश करी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वाटर प्रूफ डोर के कवर्स आते हैं वो मैंने लगा दिए उन होल्स पे। अब क्या हो रहा था, थोड़ा पानी तो अभी भी आ रहा था शिप के लोअर लेवल से अंदर, बट मोस्ट ऑफ द वाटर जो था वो अब दूसरी दिशा में जाने लग गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप। मोर अरोज का मतलब क्या होता है, आ जाना, ठीक है। ब्लॉक अप का मतलब तो आपको पता ही है, रिस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना। विद द डेब्रिस, डेब्रिस मतलब मलबा, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हमारी प्रॉब्लम्स ना बद से बदतर होती जा रही थी, ठीक है। यार क्यों लड़ रहे हो यार शिवांगी, अभी बॉस आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू टू। सही में बेटा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत इंसल्टेड भी फील हो रहा है, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तो। सही में शिवांगी, चलो सो वो बोल रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बद से बदतर होती थी, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, हमारे हैंडपम्प्स जो थे ना उसमें क्या हो रहा था,
बेसिकली बच्चों जो पानी बह रहा था ना उसमें जो मलबा होता है ना वो भी फ्लोट कर रहा था ना, अलग अलग चीजें फ्लोट करती हैं पानी में, तो वो सारे ना हैंड पंप्स में स्टक हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने चलना बंद कर दिया था। इलेक्ट्रिक पंप्स जो थे उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो गया था। अब जो लेवल ऑफ वाटर था ना शिप में, मतलब फिर से जो पानी आ रहा था वो अब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे पानी अंदर की तरफ आ रहा था। Back on deck, I found that our two spare hand pumps, spare मतलब extra hand pumps, had been wrenched. Wrenched मतलब बच्चों pulled overboard along with the four stay sail, the dinghies and the main anchor. यहाँ पे कुछ equipments का नाम लिखा हुआ है, वो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं दोबारा से ship के floor पर आता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो दो extra pump थे ना वो wave ने कहीं फेंक दिए। सम अदर मटेरियल्स, बहुत सारे और भी मटेरियल थे तो वो भी वहाँ पर तैर रहे थे तो वो अपनी जगह पे नहीं थे बिकॉज ऑफ दी वेव। आगे देखो, देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, आई कनेक्टेड इट टू आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाउंड दैट इट वर्कड। चार्ट रूम का मतलब क्या है, एक ऐसा रूम शिप के अंदर जहाँ पे मैप्स वगैरह यू नो रखे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मैंने आई रिकॉल्ड, मुझे याद था कि भाई मेरे हमारे पास ना एक और इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम में, एंड मैंने उसको क्या करा, मैंने उस पंप को कनेक्ट किया पाइप से ताकि हम शिप के अंदर का जो वाटर है उसे बाहर पंप कर सकें। सो थैंकफुली वो जो पंप था वो वर्क कर रहा था। अब आगे देखो क्या हुआ, दैट नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। अब यहाँ पे ड्रैग्ड ऑन का मतलब क्या है, कंटिन्यू होते जाना, स्टीरिंग मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द राइट वे। इस पूरे में क्या बात हो रही है, बात हो रही है बेसिकली कि हम लोग क्या कर रहे थे, वो जो रात थी ना वो पूरी रात हमारी एंडलेस मतलब खत्म ना होने वाली, मतलब पूरी रात हम लोगों ने क्या करा, एक तो बहुत ही ज्यादा ठंड थी, दूसरा हम लोग कॉन्स्टेंट पानी को बाहर निकाल रहे थे, कॉन्स्टेंट हम लोग पानी पंप करते जा रहे थे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग रेडियो कनेक्ट करने की भी लाइक यू नो कि ताकि कुछ कम्युनिकेशन हो जाए उसकी भी हम लोग पूरी रात कोशिश कर रहे थे। सो पूरी रात उन बेचारों ने क्या करा बच्चों, एक सेकेंड, हाँ, तो पूरी रात उन्होंने क्या करा, पूरी रात वो लोग ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से जो शिप के अंदर का पानी आ रहा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मेडे कॉल क्या होता है, मेडे कॉल्स होते हैं रेडियो टेलीफोनिक वर्ड्स, ठीक है, जो बेसिकली अगर शिप किसी डिजास्ट्रस सिचुएशन में, एयरक्राफ्ट किसी डिजास्ट्रस सिचुएशन में है तो यूज करा जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, है ना, कहीं से हमें कुछ हेल्प नहीं मिल पा रही थी, एंड ये हमारे लिए सरप्राइजिंग भी नहीं था, हम लोग शॉक भी नहीं थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रिमोट कॉर्नर पे थे। रिमोट कॉर्नर का मतलब क्या है, अर्थ पे कुछ भी ऐसा रीजन जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम है, तो हम एक ऐसे जगह पर थे जहाँ पर ऑब्वियसली सिग्नल ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आगे क्या हुआ, उसकी बेटी जो है उसकी जो आँख के ऊपर चोट लगी होती है वो बहुत ही ज़्यादा और सूज जाती है, ठीक है, उसके पास लाइक ऑब्वियसली शी हैड टू आइज एंड उसके ऊपर जो उसे चोट लगी होती है बहुत बुरी तरीके से वो सूज जाती है, एंड अब वो हमें अपने आर्म पर एक डीप कट भी दिखाती है कि देखो मुझे मेरे आर्म पर एक डीप कट भी लग गया, यानी कि बच्चों को भी वहाँ पर चोट लगे जा रही थी। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है चैप्टर की। तो उसने जब अपनी बेटी से पूछा कि तुमने मतलब पहले क्यों नहीं ध्यान दिया इन पे या पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने बोला, पापा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी उस स्थिति में जहाँ पर आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, मुझे दिख रहा है कि हम लोग मरने वाले हैं और आप लोग हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो और मैं उस सिचुएशन में आपको मेरे चोट के बारे में बताकर परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अब क्या होता है बेटा, 3 जनवरी की बात हो रही है। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो वो बोल रहे हैं कि भाई 3 जनवरी आ गया था, अब कॉन्स्टेंटली हम लोग पानी को बाहर निकालते जा रहे थे, 3 जनवरी तक एक अच्छा खासा क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने शिप से बाहर निकाल दिया था, इतना निकाल दिया था कि अब अगर दो दो लोग भी बारी बारी के, कभी मैं और मेरी बीवी ने पंप यू नो से उससे पानी बाहर निकाल दिया, कभी उन दोनों ने, तब भी काम चल जाता। तो अभी ऐसा हो गया था कि हम लोग रोटेशन में 1 by 1 हमने दो दो घंटे का रेस्ट ले लिया, तब से लेकर अब हमने दो दो घंटे का रेस्ट लिया क्योंकि 2 दिन से हमारी बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। कील क्या होता है,
बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप, शिप का बिल्कुल बॉटम वाला पार्ट। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, वो बोल रहे हैं कि इवन नाउ देर वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर, कि भले ही पानी कम हो गया था बट अभी भी हमें दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा लीकेज जो है पानी का, मतलब जो पानी है वो शिप के अंदर आ रहा है। आई फाउंड आउट दैट द मेन फ्रेम ऑफ द शिप वॉज ब्रोकन। अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि जो मेन फ्रेम होता है ना शिप का बॉटम पार्ट से, वही टूट रखा है, इस वजह से पानी जो है वो बहुत भारी मात्रा में आ रहा है। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले यू गाइज नीड टू आंसर कुछ क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर राउंड द वर्ल्ड वॉयज? देयर आर फोर ऑप्शंस, फटाफट से बताओ। जल्दी, हाफ ऑफ द चैप्टर हैज बीन डन। ए ऑप्शन, टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 ईयर्स अगो बाय कैप्टन जेम्स कुक। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट वॉज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर? व्हाट वॉज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर? हाँ जी बच्चों, जल्दी बताओ, वी नीड टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। बिजनेसमैन, सेलर, टीचर, नॉन ऑफ द अबव। बिजनेसमैन, ऑल राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर? All right. Yes, Wave Walker is the correct answer. बच्चों ये कुछ important questions हैं, इन्हें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अभी। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull. Hull क्या होता है? Main body of the ship, except a few cupboard partitions. क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है कि ship के अंदर सारी चीजें लमसम टूट चुकी थी। ठीक है, everything was broken. इस हद तक तो मतलब टूट ही चुका था टू सम एक्सटेंट इन द राइट साइड ऑफ द शिप। कि अगर आप ये शिप है मान लो, ठीक है, और अगर आप उसका राइट साइड देखोगे ना, तो यहाँ पे काफी हद तक सारी चीजें टूट चुकी थी। कुछ ही पार्टीशियंस थे, कुछ ही ऐसे पार्ट थे जो बिल्कुल सही थे एंड दे वर नॉट ब्रोकन। तो वो बोल रहे हैं, वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। वो बोल रहे हैं कि देखो, 15 घंटे हो गए थे हमें किसी तरीके से सर्वाइव करते हुए। 15 घंटे पहले हमारी शिप को यू नो, वो बड़ी सी वेव आई थी और उसने इस कदर नुकसान पहुंचाया कि हम सब मरने वाले थे। 15 घंटे हो गए थे बट हमें पता है कि अभी तो हम जिंदा हैं, बट हमारी जो वेव वॉकर शिप है वो और ज़्यादा साथ हमारा नहीं देगी। बहुत ही जल्द ये टूट जाएगी या ये डूब जाएगी और हम सब इसमें मर जाएंगे। तो वो बोलता है कि वुडेंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया तो इस शिप में नहीं पहुँच सकते। वो बोल रहा है, मैंने मेरे चार्ट्स चेक करे, मैंने कैलकुलेट करा कि भाई दो ना छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं थोड़े फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स पे, ठीक है, अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो दो क्या है, छोटे छोटे से आइलैंड हैं। अब आगे देखो, अब उसमें से वो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है कि देखो ऑस्ट्रेलिया तक तो हम लोग नहीं जा सकते, बीच में ही दो आइलैंड्स हैं जिन पर हमें रुकना पड़ेगा। अब वो यहाँ पर बोल रहा है कि जो एम्स्टरडैम है वहां पर हम लोग जा सकते हैं, वो बेसिकली क्या है, फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, ठीक है, यानी कि फ्रेंच लोग अपने जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं उस पर टेस्ट करते हैं, वहां पर है, ठीक है, वो पूरा केंद्र है। तो हमारा जो होप है, ठीक है, हमारा जो आशा की किरण है वो क्या है कि हमें इतने बड़े समुद्र में ना मान लो एक पिन ढूंढनी है, यानी कि वो आइलैंड इतना छोटा, इतने बड़े समुद्र में हमें उस आइलैंड को ढूंढना है, ये बोल रहा है वो। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, ठीक है, अबेटेड का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड, कम होना, डिक्रीज होना, सो वी कुड होइस्ट सेल, यानी कि रेज सेल, आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन, ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा इंजन, आउट ऑफ एक्शन। अब इस पूरे में बच्चों क्या बात हो रही है, बोल रहा है कि देखो जब तक विंड रुकेगी नहीं, है ना, जब तक विंड रुकेगी नहीं हम अपनी नेक्स्ट सेल नहीं कर सकते, हमारे जो एक्स्ट्रा इंजन्स हैं वो भी डैमेज हो गए हैं उस बड़ी सी वेव ने जिसने हमारी शिप को हिट किया था, ठीक है, और
विदाउट रेजिंग द सेल हमारे चांस उस आइलैंड पे पहुंचने के बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही बेयर मिनिमम है। अब क्या होते हैं बच्चों, 4 जनवरी आ जाता है, ठीक है। ऑन जनवरी 4th आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटीन्यूअस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। पेस मतलब क्या होता है, गति। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। अभी वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई 36 घंटे हो गए थे हमें कॉन्टीन्यूसली पानी को बाहर की तरफ पंप करते हुए, 36 घंटे। अब क्या हो गया था, 4 जनवरी आ गया था, अभी कुछ ही पानी बचा था, थोड़ा ही डेप्थ में पानी था जो बचा हुआ था शिप के अंदर। अब हमें क्या करना था, हमें अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना था। जिस स्पीड से हम पानी को पंप कर रहे हैं ना बाहर निकालने के लिए, वो स्पीड को हमें मेंटेन करना था। सारा का सारा एक्स्ट्रा वाटर हम लोग बाहर निकाल चुके थे, क्योंकि विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपने मेन मास्ट के जरिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। क्लियर, आगे देखो। प्रेशर ऑन द रेजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। क्या बोल रहे हैं, अगर हम शिप की रोप पे प्रेशर डालेंगे, है ना, अगर हम शिप की रोप पे प्रेशर डालते हैं बेसिकली, तो इससे क्या होगा, इससे और ज्यादा शिप को नुकसान पहुंचेगा। सो वी होस्टेड द स्ट्रॉन्ग जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। मैरी फाउंड सम कॉन्ट बी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है कि उनका मील क्या था, ठीक है, उन्होंने इतने दिन बाद अपना मील लिया, खाना खाया, तो वो क्या था, ये क्वेश्चन में आता है। सम कॉन्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज। तो वो यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, बोल रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे शिप पे, तो ऑब्वियसली हमारा शिप टूट जाएगा, आउटर बॉडी टूट जाएगी। तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली डिसाइड करा कि चलो ठीक है, हम लोग जो दो आइलैंड हम ढूंढ रहे हैं, एटलीस्ट उनकी डायरेक्शन में हल्का हल्का मूव करना शुरू करते हैं। इतने में मेरी जो बीवी थी, है ना, वो बीफ लेकर आई और क्रैकर बिस्किट्स लेकर आई, एंड हमने 2 दिन में हमारा पहला खाना था वो, यानी कि 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया था। ऑल राइट, आगे चलते हैं। बट आर रेस्पाइट वो शॉर्ट लिफ्ट। रेस्पाइट मतलब क्या होता है, राहत, कि ये जो हमें राहत मिली थी ना, थोड़ी सी हमने खाना खा लिया, बहुत ही कम समय के लिए रही, बहुत ही शॉर्ट लिफ्ट थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। अब 4 बजे के आसपास दोबारा से काले बादल हमारे ऊपर मंडराने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। दोबारा से हवाएं बहुत तेज चलने लगी एंड दोबारा से जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। The weather continued to deteriorate. अब क्या हो रहा था, जो weather है बच्चों वो constantly deteriorate होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, बिगड़ता जा रहा था, ठीक है। And by dawn, यानी कि 5 जनवरी की सुबह हो गई, our situation was again desperate. यहाँ पे desperate का मतलब क्या है बच्चों, कि हमारी situation दोबारा से बद से बदतर हो गई, हमारी situation दोबारा से बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों, जल्दी जल्दी बताते भी जाओ इन द कॉमेंट सेक्शन। तुम लोग सब अपनी बातों में लगे हो तो फिर मैं चली जाती हूँ। हाँ, शिवांगी तो मान ही नहीं रही है, ठीक है, उसे मानना ही नहीं है शिवांगी, और अभी बॉस तो ठीक है, मुझे कुछ बात ही नहीं करनी है इनसे। बाकी के जो लोग हैं, सुंदरा देवी बेटा, आप भी, कुछ लोग तो लाइव चैट को अपना व्हाट्सएप समझ लेते हैं बेचारे। ये देखो इसे मैं ना हटा दूंगी शिवांगी, मैं तुम्हें चैनल से ब्लॉक कर दूंगी। कहां से हो आप, सब जानना है तुम्हें। मैं भी चली जाती हूँ यार, फिर मैं क्यों पढ़ा रही हूं। हाँ, वेरी बैड यार, तुम लोग यार अपना ना बहुत गलत इमेज बनाते हो फिर मेरे आगे। आई विल स्टॉप टेकिंग लाइव क्लासेस फॉर 11th क्लास देन। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भिजवा दूंगी अगली बार से, खुश रहना। 10th की लूंगी बस मैं लाइव क्लास, ठीक है, अगली बार से नो लाइव क्लास फॉर क्लास 11th। चलो, व्हेन आई वेंट इन, आगे देखो, व्हेन आई वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड। अब वो अपने बच्चों के पास जाता है उन्हें थोड़ा सा कंफर्ट दिलवाने, एंड जॉन, जो उनका बेटा होता है, वो बोलता है डैडी क्या हम मरने वाले हैं। तो उसके डैडी ट्राई करते हैं, उसे एश्योर करते हैं कि नहीं नहीं बच्चे, हम लोग इससे फाइट कर लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन वी अरेंट, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या बोल रहा है अपने पापा को, कि पापा हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम चारों साथ हैं।
यानी कि अगर हमारी फैमिली साथ है तो हमें मरने से डर नहीं लगता। सोचो कितना छोटा सा बच्चा ये बात बोलकर अपने पापा जी को हिम्मत दे रहा है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, वो बोलता है कि मुझे मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि मैं क्या बोलकर इसका जवाब दूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन, बट ये सुन के मुझ में एक अलग मोटिवेशन आई और मैं मेरे बच्चों के कैबिन से बाहर आ गया और मैं डिटरमाइंड हो गया। हाँ ना, बिल्कुल मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे फाइट करना ही है। ठीक है, जितने भी मेरे पास हिम्मत बची है मुझे फाइट करना है, मुझे फाइट मारना है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोट साइड, क्या बोल रहा है कि अब जो राइट साइड था शिप का है ना, वो बहुत वीक था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या डिसाइड करा, टू हीव। हीव मतलब क्या होता है, स्पीड को रिड्यूस करना, कम करना। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स एंड एन इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले से जो प्लान नहीं है। सी एंकर ऑफ हैवी नायलन रोप एंड टू 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, बैरल्स मतलब होता है ड्रम, पैराफिन मतलब होता है वैक्स। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मैंने वीक साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ट्राई करा कि मैं शिप की स्पीड को रिड्यूस कर दूं, तो मैंने शिप को इस तरीके से मूव करा कि जो बहुत तेज आवाज आ रही है बाहर से, किस चीज की आवाज है, क्लीन कर रहे हैं, अच्छा। सो आई मूव द शिप इन सच अ वे दैट द अनडैमेज्ड पार्ट ऑफ द फ्रंट पोर्शन वॉज फेसिंग वेव्स, तो मैंने शिप को इस तरीके से घुमाया कि जो शिप का अनडैमेज्ड पार्ट था, जो शिप का ऐसा पार्ट जो खराब नहीं हुआ था, वो अब वेव्स को फेस कर रहा था। मैंने एक थिक मोटी नायलन की रस्सी ली और मैंने क्या करा, 22 लीटर वैक्स ड्रम्स जो थे वो भी ले लिए और मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने स्पीड को कम करने के लिए इस्तेमाल करा। That evening Mary and I, और उस शाम मैं और मेरी बीवी साथ में बैठे, हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे and basically जैसे ship आगे जा रहा था, जैसे जैसे ship आगे बढ़ रहा था और ज़्यादा पानी ship के अंदर आ रहा था। ठीक है, जो broken planks थे, जो broken wood था, जो ship का part टूट रखा था उससे और ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था और हम दोनों को क्या लगा कि भाई हमारा जो अंत है वो बहुत ज़्यादा पास है। ठीक है, हमारा जो अंत है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, अब हम लोग मरने वाले हैं, यही मैं और मेरी बीवी सोच रहे थे। ठीक है, आगे देखो, बट वेव वॉकर रोड आउट, अब क्या हुआ, वेव वॉकर जो था वो बाहर आया। यार बोल देना, क्लास चल रही है, बोला तो उन्हें। But wave walker rode out the storm and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Now, what do you mean by sextant? ये एक instrument होता है angle को measure करने के लिए बच्चों। ठीक है? Is it clear? All right. So I tried to determine our direction by measuring an angle through sextant. So वो बोल रहा है कि मैंने हमारा direction जानने की कोशिश करी। ठीक है, 6 जनवरी को winds अब थोड़ा normal हो गई थी तो मैंने अपने direction जानने की कोशिश करी with the help of sextant. Back in the chart room, अब मैं chart room में आता हूँ। I worked on the wind speed. मैंने क्या करा, worked on का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों को consider करना, सारी चीज़ों को study करना। तो मैंने विंड स्पीड देखा, चेंज ऑफ कोर्स देखा, ठीक है, करंट देखा, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा था, अपनी पोजीशन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। वो बोल रहा है जितना भी मैं पता लगा पाया वो ये था कि हम लोग इतने बड़े ओशियन में थे और हम लोग इतना सा आइलैंड सर्च कर रहे थे, यहाँ पे हमें जाना था अपनी जान बचाने के लिए और पूरे चारों तरफ हमारे समुद्र ही समुद्र था। सो बेसिकली ये उसी की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी अभी बताया। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. अब यहाँ पर बच्चों वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जब मैं ये सब सोच रहा था तो मेरी जो बेटी है वो मेरे पास आई। मेरी बेटी बच्चों बहुत ज़्यादा दर्द में थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में थी। जो उसके हेड का लेफ्ट साइड था वो अब और ज़्यादा सूज चुका था एंड उसके जो आँखें हैं वो स्लिट्स मतलब अब वो बहुत ज़्यादा ऐसे पतली हो गई थी, खुल भी नहीं रही थी उसकी आँख क्योंकि वो इतना सूज गया था। और उसने मुझे कार्ड दिया, वो कार्ड जो वो बच्ची इतने दर्द में भी बनाकर लाई थी। अब उस कार्ड में क्या था, ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी। ठीक है, तो फ्रंट साइड पे उसने अपने पापा और मम्मी की फोटो बनाई थी
और उस पे लिखा था हेयर आर सम फनी पीपल, कि ये जो मेरे पापा मम्मी है इनसे मिलो, ये कुछ फनी लोग हैं, डिड दे मेक यू लाफ। तो वो बेसिकली क्या बताना चाहती थी कि ये ऐसे लोग हैं जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको हंसा देंगे, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में डिटरमाइन रहेंगे। तो वो एक तरीके से अपने मम्मी और पापा को मोटिवेट कर रही थी, क्योंकि वो देख रही थी कि मेरे माँ बाप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे लिए, ठीक है। तो उसके पापा बहुत हंसते हैं। उस कार्ड के अंदर उसने एक मैसेज लिखा था कि ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कार्ड आपको थैंक यू बोलने के लिए है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमें नहीं पता क्या होगा, बट हम बेस्ट के लिए होप करते हैं। समहाउ वी हैड टू मेक इट, कि किसी ना किसी तरीके से तो हमें करना ही है, वी हैव टू मेक इट। तो अब वो उसके पापा जो होते हैं दोबारा से डिटरमाइन हो जाता है, और वो बोलता है आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस, कि मैंने दोबारा से यू नो स्टडी करना शुरू किया, मैंने मेरी कैलकुलेशंस चेक करी। वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपस एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर अ मैग्नेटिक वेरिएशन, वेरिएशन मतलब चेंज। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है जो हमारा मेन कंपस था वो मैं खो चुका था, मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंपस था जिसे मैं यूज कर रहा था, बट ये कंपस एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिखाता था, ठीक है। मैग्नेट की वजह से इसमें कुछ एरर था, तो ये बिल्कुल गलत लमसम रिजल्ट दिखाता था। आगे वो क्या बोल रहा है, आई मेड एन अलायंस, अलायंस क्या होता है, एक अजम्पशन, एक अंदाजा लगाना, फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। तो वो बोलता है कि मैंने एक एस्टिमेट लगाया अबाउट द इफेक्ट ऑफ द वेव्स, के जो वेव्स हैं उनका क्या अफेक्ट हो सकता है, वो वाली वेव्स जो कि वेस्ट पार्ट में मूव करती हैं ऑफ द इंडियन ओशियन। तो वो एक तरीके से अंदाजा लगा रहा है बेसिकली कि मैं अगर यहाँ जाऊँगा तो कैसे किस डायरेक्शन से वेव ज़्यादा आ सकती हैं, किस डायरेक्शन से नहीं आ सकती, ये सारी चीज़ों को वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अबाउट 2 PM, 2 बजे के आसपास वो मेन फ्लोर पे जाता है और लैरी से क्या बोलता है, टू स्टीर द कोर्स, स्टीर द कोर्स मतलब शिप को मोड़ दो 185 डिग्रीज पे। अगर हम लकी रहे, यानी कि अगर हमारी किस्मत अच्छी रही, तो मैंने उसको एक कन्विक्शन मतलब एक बिलीफ, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ बुलाया, जितनी मैं अभी कैलकुलेशन करके आया हूँ। मैंने बोला शिप को 185 डिग्रीज पे मोड़ दो, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम लोग आइलैंड 5 बजे के आसपास हमें एक आइलैंड दिख जाएगा। ये उसने जाकर लैरी को बोल दिया। अब आगे देखो, देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सैड तो मैं था ही, देयर वॉज अ लॉट ऑफ सैडनेस इन माई हार्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं गया लोअर फ्लोर ऑफ द शिप पे एंड मैं मेरे बेड पे चढ़ गया, ठीक है। क्लाइम्ड ऑन माई बंक मतलब मैं बेड पे चढ़ गया एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ मतलब मेरी आँख लग गई, मैं सो गया। वेन आई वोक इट वॉज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क, जब मैं उठा तो 6 बज रहे थे और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कहता मुझे पूरा पता था कि आइलैंड हमसे मिस हो गया होगा क्योंकि मेरी आँख लग गई। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इन द वेस्टर्ली विंड्स। तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जितना भी हमारे पास सेल अवेलेबल था, पॉसिबल नहीं था कि अब हम वापस जाएं। सो क्योंकि जो विंड्स हैं वो वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो कर रही हैं, तो हम लोग मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग आइलैंड को अब पीछे छोड़ आए हैं क्योंकि मेरी आँख लग गई। एट दैट मोमेंट बच्चों, उसी क्षण अ टाउजल्ड हेड, ठीक है, टाउजल हेड मतलब ऐसे सर झुका कर, अपीयर्ड बाय माई बंक, के उसका बच्चा उसके बेड के पास आ गया। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, तो उसका बेटा बोलता है क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ। और मेरी बेटी भी उसी के पीछे थी और वो बोलता है उसका पापा कि मुझे तुम लोग गले क्यों लगा रहे हो, है ना, मुझे तुम लोग हग क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। तो उसके बच्चे बोलते हैं क्योंकि आप बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो। नॉट टूडे जॉन आई एम अफ्रेड, तो वो क्या बोलता है कि नहीं ऐसा आज तो नहीं है, ठीक है, आज मैं ना तो बेस्ट कैप्टन हूँ ना बेस्ट डैडी हूँ। वाई यू मस्ट बी सेट्स यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मैटर ऑफ फैक्ट मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल आवाज में। यू फाउंड द आईलैंड, वॉट आई शाउटेड, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, द कोर्स कोरिस्ट मतलब एक साथ बोलना, एज बिग एज अ बैटल शिप मतलब आपको पता है ना जो वॉर शिप्स होती हैं बेसिकली। तो उसके बच्चे क्या बोलते हैं, उसके बच्चे बोलते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आप बेस्ट नहीं हो, ऑफकोर्स आप बेस्ट हो, आपने आइलैंड ढूंढ लिया। तो वो बोलते हैं कि मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया कि हमें आइलैंड मिल गया, हमारी जान बच गई। तो वो बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं कि हाँ आइलैंड हमारी आँखों के आगे है और वो एक बड़ी वॉर शिप की तरह लग रहा है। I rushed on deck and gazed with relief on the stark outline of the Amsterdam.
It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. वो क्या बोल रहा है कि मैं फटाफट से बाहर जाता हूँ, फटाफट से फ्लोर पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ, है ना, किसको देखता हूँ, क्लियर आउटलाइन, आइलैंड की आउटलाइंस को देख रहा हूँ, आइलैंड को देख रहा हूँ, मेरी आंखों के आगे है, है ना। बहुत बड़ा रिलीफ मेरे को मिलता है कि फाइनली हम लोग बच गए, ठीक है, भले ही वो डल है, ठीक है, उसमें रॉक्स के अलावा कुछ नहीं है, बट अभी वो हमारे लिए क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि भाई हमारी जान बच गई, है ना। वो कहावत है ना, कौन सी है, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए तो छोड़ो, जान बची तो लाखों पाए वाली चीज़ है यहाँ पर। सो ही वॉज वेरी मच हैप्पी कि भाई फाइनली क्या हुआ ना, तो वहाँ पे ब्लीक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, कि ना वहाँ पे पेड़ है ना पौधे है, सिर्फ रॉक्स है, बट वो फिर भी हमारे लिए मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है अभी। आगे क्या होता है बच्चों, बस चैप्टर खत्म होने वाला है, 5 more minutes। सो आगे होता है, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। सो एंकर्ड का मतलब क्या होता है, शिप को स्टॉप करना इन वन पोजिशन, ठीक है। ऑफ शोर का मतलब क्या होता है, लैंड से दूर। इनहैबिटेंट का मतलब जो वहां पे रहते हैं, रेजिडेंट्स, और अशोर मतलब ऑन द लैंड। So, बोल रहा है कि हमने शिप को रोका, ठीक है, सी में एट द लोकेशन फॉर द नाइट। अगली सुबह 28 ही लोग रहते थे उस आइलैंड पे, वो सारे के सारे हमें मतलब हमारे पास आ गए और हमारी मदद करी शिप से उतरने में। विद लैंड अंडर माई फीट अगैन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना। अंडर द डियरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। तो वो बोल रहा है, जब मैं जमीन पे पहुंच गया, जब मेरा पैर जमीन पे यू नो पड़ गया, तो मैंने सोचा लैरी और हर्ब के बारे में, यार मतलब देखो उन बंदों ने साथ नहीं छोड़ा, है ना, कॉन्टिन्यूस वो लोग पंप करते रहे, हर सिचुएशन में हैप्पी रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे। एक होता है बच्चों, कुछ लोग होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, तो एक तो आप प्रॉब्लम में होते हो, वो आपको और प्रॉब्लम में डालते हैं कि ये कैसे करेगा, अब क्या होगा ये। और एक होता है जो ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, है ना, कि अरे प्रॉब्लम हो गई, चिल कर, कोई बात नहीं, तू पैनिक मत कर, हम देख लेंगे। तो देयर वॉज अ डिफरेंस, जो लैरी और हर्ब थे वो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक लोगों में से थे, वो लोग हैप्पी रहे, होपफुल रहे, एंड उसे अपनी बीवी को भी यू नो बीवी को भी अप्रिशिएट करता है कि यार मैरी जो इतने, एक सेकेंड बच्चों पानी देना, तो अपनी बीवी को भी अप्रिशिएट करता है कि भाई इतने क्रूशियल आज में वो व्हील के पास खड़ी रही, व्हील को संभालती रही। मोस्ट ऑफ ऑल बोलता है, सबसे ज्यादा मैंने सोचा अपने बच्चों के बारे में, है ना, जो ये नहीं चाहता था कि भाई जो ये नहीं चाहती थी कि मेरी हेड इंजरी के बारे में मेरे पापा को पता चले, या वो जो लड़का था जो बोल रहा था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, है ना, वो जो 6 साल का बच्चा था जो बोल रहा था पापा अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता, तो सबसे ज़्यादा उसने सोचा बच्चों अपनी बेटी और अपने बेटे के बारे में। वो बेटी जिसके सर पर चोट थी तब भी वो अपने पापा को टेंस नहीं करना चाहती थी, ठीक है, बाद में 6 minor operations हुए, तो सोचो वो चोट कितनी गहरी होगी उसकी बेटी की, राइट, क्लॉट हो गया था। एंड अब उसने अपने 6 साल के लड़के के बारे में सोचा जो मरने से नहीं डरता था। और यहीं पे बच्चों हमारा ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये समाप्त तो होता है। मैं आपको कराऊंगी 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF। तो सबसे पहले तो कॉमेंट करके बता देना कि ये चैप्टर आपको कैसे लगा, जब तक मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स करा देती हूँ। हु वॉज द नरेटर एंड कौन सा एडवेंचर भरा टास्क वो कर रहा था। सो नरेटर है हमारा 37-year-old बिजनेसमैन जो अपनी फैमिली के साथ प्लायमाउथ इंग्लैंड से निकला था पूरे वर्ल्ड का समुद्री यात्रा करने के लिए, जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक ने किया था 200 साल पहले इन अ 30-ton वुडन हल्ड बोट। तो ये पूरा आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे सोचते बहुत आसान क्वेश्चन है बट देन प्रॉपरली आंसर को फ्रेम नहीं कर पाते जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। आगे आ जाओ, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द बोट। तो 4 लोग थे, नरेटर, उसकी बीवी मैरी, बेटा जोनाथन, डॉटर सुजैन, ठीक है, जिन्हें 1,05,000 किलोमीटर्स ट्रैवल करने थे वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। दे टुक ऑन द 2 crewmen, 2 crewmen उन्होंने अपने साथ लिए, अमेरिकन लैरी एंड अ स्विस हर्ब, बिफोर सेटिंग सेल ऑन द सदर्न इंडियन ओशियन।
नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेटर? अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें बच्चे ऐसे लिखाते हैं, एक बीवी थी, दो बच्चे थे, दो क्रियुपन थे, आंसर खत्म. दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन आंसर इन द आंसर शीट. सो मेक श्योर दैट यू गाइज फ्रेम योर आंसर प्रॉपरली. नेक्स्ट, फर्स्ट इंडिकेटर क्या था बच्चों? रफ वेदर का, ये आप लोगों को बताना है. सो ऑन देयर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन, केप टाउन से जब वो निकल गए, उसके दो दिन बाद उनका सामना हुआ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड से. पहले कुछ हफ्तों तक वो जो हवाएं थी कॉन्टिन्यूसली बच्चों यू नो ब्लू हो रही थी. उसके बाद हवाओं से उसे डर नहीं लग रहा था, उसे डर लग रहा था वेव्स के साइज से. दैट वर डिस्टर्बिंग. सो दैट वॉज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द रफ वेदर. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे इज, वट वर द डिफिकल्टीज दैट दे फेस दैट नाइट? क्या क्या डिफिकल्टी उन्हें फेस करनी पड़ी? रात में बहुत ज्यादा ठंड थी, नंबर वन. नंबर टू, कॉन्स्टेंटली वो लोग वॉटर को बाहर निकाल रहे थे शिप से, ठीक है, रेडियो पे काम कर रहे थे. मोर ओवर दे वर गेटिंग नो रिप्लाईज, उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था. एंड दे वर इन अ रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वो एक ऐसे ऐसे जगह पे थे जहां पर उनके लिए किसी से भी कनेक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था. सो दैट्स इट बच्चों फॉर दिस चैप्टर. आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी. नेक्स्ट क्लास होगी हमारी थर्सडे को इसी टाइम पर, ठीक है. एंड मतलब वन शॉट तो मैं डालूंगी, लाइव क्लास थर्सडे होगी, बट कल आपको आप लोग टाइम टेबल देख लेना कम्युनिटी पे, वन शॉट आपको मिलते रहेंगे. सो इस क्लास के एंड होने के बाद जो बच्चे नहीं आए उन्हें शेयर कर देना, ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू द क्लासेस. एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी. थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय बाय, टेक केयर. टेंथ क्लास की क्लास बेटा कल है 9 बजे, ठीक है. एक बारी कम्युनिटी पोस्ट पे टाइम टेबल देख लो, एक बारी मैं टेलीग्राम पर भी आपको टाइम टेबल भेज दूंगी, ठीक है. चलो अब डिनर कर लो, मेरे को भी करने दो, बाय बाय.